हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग बाइनरी ट्री में देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ नोड्स, एंड हाइट। ठीक है, ये आज हम लोग का टॉपिक है। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में अपने पढ़ा रखा है ट्रीज़ की टर्मिनोलॉजीज़, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है रूट नोड क्या होते हैं, लीफ नोड क्या होता है, सिबलिंग्स क्या होता है, डिग्री ऑफ नोड्स क्या होते हैं, चिल्ड्रेन नोड क्या होता है, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। उसमें बेसिक है ये हमारा बिल्कुल। तो अगर आपने पता है तो भी देख लीजिएगा वीडियो, तो आपका रिवाइज़ हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को नहीं एक्सप्लेन कर रही हूँ, डायरेक्ट अपने लेक्चर को एक्सप्लेन कर रही हूँ। और इस टाइप के जो आपके क्वेश्चन बनते हैं इसी से बनते हैं, और आपके डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और थ्रू एन एग्जाम्पल्स भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ आपके लिए नोट्स बना रखे हैं। नोट्स इसलिए बना रखे हैं क्योंकि आपको यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। पहले तो बाइनरी ट्री क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, और दूसरा क्या है हाइट, हाइट ऑफ़ द बाइनरी ट्री या हाइट ऑफ़ द ट्री हम कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो समझते हैं कि ट्री क्या होती है, बाइनरी ट्री क्या होती है। पहले हम लोग क्या समझ रहे हैं कि हमारी बाइनरी ट्री क्या होती है। तो बाइनरी ट्री पहले तो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। बाइनरी ट्री अ नोड कैन हैव मैक्सिमम टू चिल्ड्रेन। ठीक है, तो बाइनरी ट्री हमारी वो ट्री होती है जिसमें हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने चिल्ड्रेन हो सकते हैं, टू चिल्ड्रेन हो सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल भी आपके लिए ले दे रही हूँ। तो यहाँ पे एक नोड बना लेते हैं, तो चलिए एक रूट नोड बना लेते हैं 20 नाम का, और एक इसके चाइल्ड बना लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं 10, और यहाँ पे ले लेते हैं 30। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं ये हमारी सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट बाइनरी ट्री हो गई यहाँ पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं वो ट्री जिसके मैक्सिमम दो चिल्ड्रेन होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं एक हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट चाइल्ड हो गया, एक हमारे पास क्या हो गया, राइट चाइल्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम हमारे पास चिल्ड्रेन कितने हो गए, मैक्सिमम टू चिल्ड्रेन हो गए हमारे पास। तो वो ट्री जिसके मैक्सिमम टू चाइल्ड होते हैं तो वो क्या होती है, हमारी बाइनरी ट्री होती है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया हमारा बाइनरी ट्री का। ठीक है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा हो तो को भी कमेंट किया करिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो मुझे भी समझ में आएगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक किया करिए, ना अच्छी लगा करे तो डिसलाइक किया करिए, कोई मैटर नहीं है। ठीक है, बट आप बताएंगे मुझे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं हाइट क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे रिलेशनशिप ही देखना है बिटवीन द नंबर ऑफ नोड्स एंड हाइट। तो पहले तो समझते हैं हाइट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है हाइट, द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट नोड टू एनी लीफ नोड इज़ इन द ट्री। ठीक है, तो हाइट हमारी क्या होती है, वो लॉन्गेस्ट पाथ जो रूट नोड से लीफ नोड तक जाता है उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइट बोल देते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। चलिए एक ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं, बी नोड, सी नोड, डी नोड, ई नोड, एक एफ नोड, और एक जी नोड, और एक एच नोड। ठीक है, ये हमने क्या किया, ये हमने एक ट्री ले लिया, थोड़ा एच अच्छे से बना देती हूँ। तो ये हमने क्या किया, एक ट्री ले लिया है। ये हमारी कौन सी ट्री है, ये हमारी बाइनरी ट्री है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमसे क्या बोल रहा है, द लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम रूट नोड टू लीफ नोड। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है। तो ये देखेंगे ये पाथ क्या हमारा लॉन्गेस्ट पाथ है, क्या ये हमारा लॉन्गेस्ट पाथ है, नहीं, क्या ये हमारा लॉन्गेस्ट पाथ है, नहीं। तो लॉन्गेस्ट पाथ क्या है हमारा, एक ये ए टू ई, ए टू सी, सी टू एफ, एफ टू जी, एंड जी टू एच, ये आप देख सकते हैं हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ है। ठीक है, तो जो हमारा लॉन्गेस्ट पाथ है उसी को हम कंसीडर्ड करते हैं, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है, हमारी डेफिनेशन बोलती है जो हमारा लॉन्गेस्ट पाथ होता है फ्रॉम रूट नोड टू लीफ नोड वही क्या होता है हमारा, हाइट होती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कहाँ ए टू एच जो जा रहा है वही हमारी क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ है, वही क्या है हमारी हाइट है। तो हाइट हम कैसे निकालते हैं, बेसिकली जितने नंबर ऑफ़ एजेस आते हैं ये लॉन्गेस्ट पाथ में, जितने नंबर ऑफ़ एजेस आते हैं हमारे वही हमारी क्या होती है, हाइट होती है। तो आप काउंट कर लीजिए एजेस को, तो 1, 2, 3 एंड 4, 4 है एजेस, तो 4 हमारी क्या है यहाँ पे, हाइट है। मैक्सिमम हाइट हमारी ट्री की क्या है, 4 है यहाँ पे। ठीक है, तो हाइट हम लोग ऐसे निकालते हैं, होप आपको समझ में आ गया होगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, गंदा गंदा अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आता है तो भी बताया करिए, नहीं समझ में आता है तो भी बताया करिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है कि मेरी ग्रोथ होती है, आपकी भी तो होती होती है, मेरी भी साथ में ग्रोथ होती है। तो चलिए मेन पॉइंट कवर करते हैं जो हम लोग को समझना है, क्या हम लोग को कैलकुलेट करना होता है क्वेश्चन में वो समझते हैं। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना होता है, कैलकुलेटिंग द मिनिमम एंड मैक्सिमम हाइट फ्रॉम नंबर ऑफ नोट्स। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे दिया होगा, अगर आपको दिया होगा तो क्वेश्चन दिया होगा आपको, यहाँ पे आपको नंबर ऑफ जो भी आपके नंबर ऑफ नोट्स होंगे बाइनरी ट्री के वो क्या होंगे, गिवन होंगे। ठीक है, या तो उसको वो क्या बोल देंगे, एन बोल देंगे, या तो आपको एन की वैल्यू दे देंगे, मान लीजिए 4 दे दिया, 5 दे दिया, 6 दे दिया। ठीक है, इस टाइप का आपका क्वेश्चन होगा। और अगर आपको ये गिवन है तो आपको क्या निकालना आना चाहिए, आपको हाइट निकालनी आनी चाहिए। आपको क्या निकालना होता है, आपको हाइट निकालनी होती है बाइनरी ट्री की, जो कि आपकी क्या हो सकती है, मिनिमम भी हो सकती है और क्या हो सकती है, मैक्सिमम भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिया है, लेट देयर आर एन नोट्स इन बाइनरी ट्री। अब हम क्या सपोज़ कर रहे हैं, हमारे पास एक गिवन बाइनरी ट्री है, उसमें हम लोगों ने अपने नोट्स कितने ले लिए, एन ले लिए। ठीक है, यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नोट्स ले ले रहे हैं, और वो नोट्स कितने हैं हमारे, वो नोट्स हैं हमारे एन। ठीक है, अब यहाँ पे जब हम मैक्सिमम हाइट निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन के आता है, मैक्सिमम हाइट का एन माइनस वन। ठीक है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम मैक्सिमम हाइट कब निकालते हैं और मिनिमम हाइट कब निकालते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समझिएगा, अगर मैं एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ पहले, तो फिर हम अपने जो गिवन एग्जांपल है उसमें चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जांपल वन आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जांपल वन आपके लिए ले रखा है, यहाँ पे मैंने लिखा है लेफ्ट स्क्यूड बाइंड्री ट्री। अब समझिएगा लेफ्ट स्क्यूड बाइंड्री ट्री क्या होता है। ठीक है, लेफ्ट स्क्वीड बाइनरी ट्री वो ट्री होता है जो एक ही डायरेक्शन में ग्रो करेगा। अगर मैंने लेफ़्ट बोल दिया तो वो बाइनरी ट्री हमारा क्या होगा, लेफ़्ट डायरेक्शन में ग्रो करेगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं बोल देती हूँ, यहाँ पे है 5, देन 4, देन 6, देन 7, देन 8, देन 2। ठीक है, आप देख सकते हैं ये हमारी क्या है, बाइनरी ट्री है, और ये क्या कर रही है, ये हमारी क्या कर रही है, एक डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। कौन से डायरेक्शन में, लेफ़्ट डायरेक्शन में ग्रो कर रही है। ठीक है, तो इस टाइप की जो बाइनरी ट्री होती है वो हमारी क्या कहलाती है, लेफ़्ट स्क्रूड। ऐसे ही हमारी राइट डायरेक्शन में जो ग्रो होती है ट्री, उसको कहते हैं राइट स्क्रूड बाइनरी ट्री। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा, छोटी सी चीज़ है एकदम। तो चलिए अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, अब जैसे मैंने आपको बताया जब एक डायरेक्शन में हमारी बाइनरी ट्री की ग्रोथ होगी तो वहाँ पे हमारा क्या होगा, मैक्सिमम हाइट होगी। देखिए क्यों मैक्सिमम हाइट होगी, मैं आपसे एक ही तरह से दिखा दे रही हूँ यहीं पे। अगर मैंने एक ये डायग्राम बना रखा है, ये भी आपकी बाइनरी ट्री है और एक ये भी बाइनरी ट्री है, ये भी मैं बना दे रही हूँ आपके लिए, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए यहाँ पे कितने नोट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नोट्स हैं, और यहाँ पे भी आप चेक करेंगे तो कितने नोट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दोनों जगह आप देख सकते हैं, अगर आप इधर बोलेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपके पास कितने हैं, टोटल नोट्स आपके पास कितने, 6 है, और यहाँ पे नेक्स्ट वाले में भी आपके पास टोटल नोट्स कितने, 6 है। बट अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो हाइट होगी, आप देखेंगे यहाँ पे आपकी मैक्सिमम हाइट कितनी आ रही है, अगर मैं बोलूँ हाइट कितनी आ रही है तो कितनी आ रही है, 1, 2, 3, 4, 5, आपकी हाइट क्या आ रही है, 5 आ रही है। और अगर मैं नेक्स्ट में देखूँ तो यहाँ पे कितनी हाइट आ रही है मैक्सिमम, आप मैक्सिमम देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम हाइट 2 ही आ रही है। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हाइट हमारी मैक्सिमम कब होगी, मिनिमम कब होगी, तो आपको होप यहाँ पे समझ में आ गया होगा। जब भी कोई क्यूइड हमारी बाइनरी ट्री होती है, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, तो हमेशा हम क्या लिखते हैं, मैक्सिमम हाइट लिखते हैं अपनी। और अगर हमारी कोई बाइनरी ट्री होगी जो कि बेसिक बाइनरी ट्री हो सकती है आपकी, या स्ट्रिक्ट बाइनरी ट्री हो सकती है, या फुल बाइनरी ट्री हो सकती है, या कंप्लीट बाइनरी ट्री हो सकती है, तो वहाँ पर हमेशा क्या होती है, हाइट हमारी मिनिमम हो जाती है। ठीक है, होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की अपनी तरफ से।
और आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज़ बताइएगा, मैं और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने की बिल्कुल कोशिश करूँगी, मैं दोबारा बता दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर से एक अच्छे से एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं 5, देन 6, देन 7, देन 8 और एक और ले लेते हैं 9। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, एक ट्री हो गई, लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री हो गई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, ये गिवन होगा। जैसे आपको, जैसे ये एग्जांपल में ये ट्री ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे या तो आपको ट्री गिवन होगी या तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स गिवन होंगे। तो यहाँ पे ट्री जैसे गिवन है तो आप काउंट कर लीजिएगा नोड्स को, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। तो टोटल नोड्स आपके पास क्या हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ से आपसे बोला जाएगा कि हाइट निकालिए, तो आपके क्या हो जाएगी, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी ट्री की, तो मैक्सिमम हाइट यहाँ पे बाइनरी ट्री की कितनी हो जाएगी, एन माइनस वन फॉर्मूला होता है वो रखेंगे हम अपना। तो एन कितना गिवेन है, 5 माइनस वन करेंगे तो क्या निकला, 4। तो 4 हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई मैक्सिमम हाइट। ठीक है, चलिए अब समझते हैं अपनी मिनिमम हाइट को भी। अब जैसे मैंने बोला मिनिमम हाइट, तो मिनिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लोर लॉग 2n। ठीक है, अगर आप फ्लोर नहीं भी लिखते हैं तो आप इतना याद कर लीजिए क्या है, लॉग 2n, ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये बेस में लॉग है, ये जो 2 है आपका बेस में है, तो लॉग बेस 2n। ठीक है, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है। ठीक, तो चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं, मिनिमम हाइट निकालने को हम लोग एग्जांपल 2 से समझते हैं। देखिए, जब भी आपकी मिनिमम हाइट निकाली जाएगी तो या तो वो क्या होगा, कम्प्लीटली फुल होगी, कम्प्लीटली फुल बाइनरी ट्री होगी आपकी। ठीक है, कम्प्लीटली फुल बाइनरी ट्री का मतलब क्या हो सकता है, जैसे कि मैं मान लेती हूँ आपके, या तो आपकी क्या हो सकती है, या तो आपकी कम्प्लीट बाइनरी ट्री हो सकती है या तो फुल, दोनों हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कम्प्लीट बाइनरी ट्री तो आपका क्या होगा कि सारे, मतलब आपका जो हर एक नोड होगा, हर एक नोड के 2 चाइल्ड प्रेजेंट होंगे, और अगर उसको फिल करते तो हमेशा लेफ़्ट से करते हैं। उसको मैं और दूसरी वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी, बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जा रहे हैं। और फुल बाइनरी ट्री क्या होती है, या तो आपके नोड्स प्रेजेंट होते हैं या तो नहीं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब आपका चाइल्ड जो भी होगा या तो वो प्रेजेंट होगा या तो नहीं होगा, या तो 2 होंगे या तो 0 होंगे, सीधे बस इतना समझिएगा। अभी एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं बाइनरी नोड का, बाइनरी ट्री का। तो एक ये नोड ले लिया, एक 5 ले लिया रूट नोड, ये हमारा क्या हो गया, रूट नोड हो गया। देन हम यहाँ पे ले रहे हैं 6, देन यहाँ पे ले रहे हैं 7, देन यहाँ पे ले रहे हैं 8, देन यहाँ पे ले रहे हैं 9, और यहाँ पे ले रहे हैं 10, और यहाँ पे ले रहे हैं 11। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक अपना बाइनरी ट्री ले लिया। अब हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हमको यहाँ पे अपनी मिनिमम हाइट निकालनी है, मिनिमम हाइट निकालनी है, जिसमें हमको क्या निकालना है, मिनिमम हाइट निकालनी है बाइनरी ट्री की, और हमको ये गिवन है, ट्री गिवन है। ठीक है, बाइनरी ट्री क्या है, गिवन है। अब यहाँ पे क्या करें, हम यहाँ पे सबसे पहले नोड्स निकाल लेंगे अपने, तो टोटल नोड्स काउंट कर लेते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमारे कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, अब हम लोग का फॉर्मूला क्या था, लॉग बेस 2, 7, तो ये हमारा फॉर्मूला था। तो अब यहाँ पे क्या निकालेंगे, फॉर्मूले के पुट कर देंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूले के साथ अगर पुट करेंगे तो 2 की पावर 3 क्या होता है हमारा, 6 होता है। ठीक है, और 2 की पावर 4 कितना होता है, 8 हो जाता है, तो हमारी कौन सी वैल्यू जाएगी, 3 जाएगी। तो यहाँ पे मिनिमम हाइट आपकी कितनी हो गई, मिनिमम हाइट आपकी यहाँ पे देख सकते हैं कितनी हो गई आपकी, 3 हो गई। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं, तो मिनिमम हाइट हमने निकाली क्या है, 3 है। तो आप चाहें तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं मिनिमम हाइट कैसे चेक करेंगे, ये भी दिखा दे रही हूँ। देखिए, सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होता है बिटवीन द रूट नोट एंड द लीफ नोट, तो आप देख सकते हैं यही एक पाथ है, 5 to 7, 7 to 10, 10 to 11, यही हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट पाथ है, और यही हमारी क्या होगी, हाइट होगी। तो यहाँ पे ना हम क्या बोलते हैं, हाइट कैसे निकाल सकते हैं हम, जितने नंबर ऑफ़ एजेस होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ हाइट्स होंगी हमारी। तो एजेस कितनी है हमारी, 1, 2 and 3, तो यह निकल आया हमारा, हाइट निकल आई। तो यहाँ पे हमारी मिनिमम हाइट कितनी निकली, 3 निकली, ये हमारा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या समझेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट एंड नंबर ऑफ नोड्स, जबकि हमारा वहाँ पे क्या गिवेन होगा, हाइट हमारी गिवेन होगी और हमको नंबर ऑफ नोड्स कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर हैं, तो प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा, पहली भी देखिएगा, दूसरी भी लेक्चर देखिएगा, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनते हैं आपके और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन बनते हैं। तो होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो,
और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा, कुछ नहीं समझ आया हो तो कमेंट करके बताइएगा, और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो हम आपके लिए ऐसी मेहनत करते रहेंगे, तो बस आपको क्या करना है, छोटा सा सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना, और सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जो भी नई आपके पास जो भी आपके पास नए लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएँ इस चैनल पे तो वो आपको मिल जाए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।